क्या आप रोज पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो या आपके वजाइना से स्मेली डिशेज का प्रॉब्लम है, आपको रैशेस इचिंग का प्रॉब्लम है आपके प्राइवेट पार्ट में, और उस तरीके का कुछ बातें जो सबके सामने आप डिस्कस करने से ऑकवर्ड फील करते हो, सो यू आर एट द राइट प्लेस गाइस। ये वीडियो बस आप ही के लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर टॉप नॉच ब्यूटी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रियंका। टुडेज वीडियो इज अबाउट फीमेल इंटीमेट केयर। गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल इंटीमेट हाइजीन, फीमेल इंटीमेट केयर, वजाइनल केयर, इन्फेक्शंस, एवरीथिंग। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो का टाइटल देख के या वीडियो देखने के बाद आप कुछ गंदा या कुछ इनसेंसिटिव कॉमेंट्स करने वाले हो, प्लीज लीव दिस वीडियो राइट अवे। गाइज, मे बी यू डोंट नो, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होता है बस उसी को पता है कितना सीरियस इश्यू है ये। तो इसका कोई भी मजाक उड़ाने से पहले या फिर कोई भी इनसेंसिटिव कॉमेंट करने से पहले एक बार प्लीज सोचिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगर आपको रोज बाहर जाना होता है, लाइक स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाते हो, और उसकी वजह से आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करना होता है, अगर आपके इंटीमेट पार्ट से बैड स्मेलिंग का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्मेली डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, या आपके वजाइना में इचिंग रैशेस का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ उस रिलेटेड बातें जो सबके सामने आप डिस्कस करने से ऑकवर्ड फील करते हो, इस वीडियो में मैं वो सब टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाली हूँ, बहुत सारा सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ। सो विदाउट मेकिंग मच लॉन्गर इंट्रो, लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो। गाइज, अगर आप डेली वेयर के लिए सिंथेटिक या नायलॉन मटेरियल्स के पैंटीज पहनते हो, यू शुड स्टॉप वेयरिंग देम, और आपको कॉटन मटेरियल चूज करना चाहिए डेली वेयर के लिए, क्योंकि कॉटन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सोकिंग पावर ज्यादा होता है, और नायलॉन एंड सिंथेटिक मटेरियल अगर पहनते हो तो इंटीमेट एरिया में अगर स्वेटिंग होगा तो आपके वो एरिया ड्राई नहीं होगा और उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होगा और उसमें से आपको रैशेस इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेयर कॉटन पैंटीज और एनी सिमिलर मटेरियल जिसमें से आपका स्किन ब्रीथ कर पाए। वेयर द एक्चुअल साइज, लाइक अगर आपका साइज मीडियम हो और आप पहन रहे हो लार्ज, तो आपको अनइजी फील होने के साथ साथ आपके उन दिनों में जब आपके पीरियड्स होगा, जब आप सैनिटरी पैड यूज करोगे, तो आपके पैड ठीक से नहीं बैठेगा और आपको दूसरे जगह पे दाग लगने का चांसेस रहता है, वो बहुत अनहाइजीनिक है। और अगर आप स्मॉल साइज के पैंटीज पहनते हो, आपसे छोटा साइज का जो आपका एक्चुअल साइज है, तो वो बहुत ज्यादा टाइट होने के कारण आपके इंटीमेट एरिया में स्वेटिंग होगा, बैक्टीरिया फॉर्म होगा, रैशेज होगा, उसके साथ साथ स्मेलिंग का भी प्रॉब्लम होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप आपके एग्जैक्ट साइज का पैंटी पहनना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि 4 to 5 hours के बाद पैंटी को चेंज करना जरूरी है, बट आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि बाहर जाते हो और बाहर जाके पैंटी चेंज करना ऐसे नॉट पॉसिबल। सो आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर 12 hours आप अपने पैंटी को चेंज कीजिए, और जब भी पैंटी को चेंज करोगे, पैंटी को अच्छे से वॉश करना जरूरी है। इसके लिए आप डिटर्जेंट वाटर से वॉश कीजिए एंड देन कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज कीजिए उसको लास्ट में वॉश करने के लिए, देन उसको ड्राई होने के लिए दीजिए पैंटी को। और आप एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज कर सकते हो पैंटी को जर्म फ्री रखने के लिए। गाइज, हम दिन भर टॉयलेट यूज करते हैं, एक या दो ड्रॉप पैंटी के अंदर आ ही जाता है, तो उसको जर्म फ्री रखने के लिए कंप्लीटली इस तरीके से वॉश करना पैंटी को बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हैक ये है, जब भी आप नहाते हो दिन में एक या दो बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने इंटीमेट एरिया, अपने वजाइना को अच्छे से क्लीन करो, वाटर से क्लीन कीजिए, नहीं तो कोई भी नेचुरल इंटीमेट वॉश का यूज कीजिए, बट नेवर एवर यूज सोप। सोप में केमिकल्स होते हैं, इट मे कॉज इरिटेशंस आपके वजाइना के, आपके इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल्स को डिसबैलेंस कर सकता है। आई नो इट मे साउंड्स फनी बट इट्स ट्रू गाइज, आप गूगल चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। और मैं यूज करती हूँ ये एवरटीन ब्रांड का इंटीमेट वॉश, ये 100% नेचुरल है, सोप फ्री है, केमिकल फ्री है। ये आपको 3 different वेरिएंट में मिलेगा, टीनेजर्स, मॉम एंड फॉर ऑल एजेस। इट विल कीप यू अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट स्मेल, इचिंग, इरिटेशन, ऑल्सो फ्रॉम वजाइनल इन्फेक्शंस। एवरटीन ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट अमेजन में अवेलेबल है, ऑल्सो वी कैन बाय देम फ्रॉम देयर ओन वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने ये फोम इंटीमेट वॉश परचेस किया है, ये फोम फॉर्म में है, इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो 100% नेचुरल, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स।
कभी भी ड्यूड्रेंट स्प्रे परफ्यूम या जो स्मेलिंग टिश्यूज होते हैं पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है हमारे इंटीमेट एरिया पे जस्ट टू कीप दैट एरिया स्मेलिंग गुड और स्मेलिंग फ्रेश। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हमारे इंटीमेट पार्ट्स वजाइना के स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट है और वो सारा केमिकल अगर यूज करेंगे आप हमारे इंटीमेट एरिया पे तो ईचिंग रैशेस के साथ साथ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो कभी भी इस टाइप का कुछ भी यूज नहीं करना है। पीरियड्स के उन दिनों आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि उन दिनों में ही ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है और आप जो भी यूज करते हो जैसे कि मेनस्ट्रुअल का पैड्स, टैम्पॉन, उसको 5 या 6 घंटे के बाद चेंज कीजिए और वॉशरूम जब यूज करते हो, जब टॉयलेट जाते हो वजाइना को आप अपने इंटीमेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करना। अगर आप घर में हो तो वाटर एंड इंटीमेट वॉश का यूज कर सकते हो, अगर आप बाहर हो तो आप वाइट टिश्यू जो मिलता है इंटीमेट वाइट टिश्यूज उसको आप यूज कर सकते हो वजाइना को क्लीन करने के लिए। देन चेंज योर पैड एंड हो सके तो पैंटी को भी चेंज कीजिए पीरियड्स के उन दिनों। एंड डू नॉट यूज क्लोथ्स गाइस, अगर फिर भी कपड़े का इस्तेमाल करते हो मेक श्योर वो कपड़ा डेटॉल में एंड डिटर्जेंट में अच्छे से क्लीन हो और वो सेम कपड़े को फिर से यूज नहीं करना है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है टू क्लीन और वाइप योर वजाइनल एरिया आफ्टर पी क्योंकि हम जब वॉशरूम जाते हैं, जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के साथ साथ आपके शरीर में बहुत सारा चीज जो कि अनवांटेड अनयूज्ड है, सॉल्ट, अमोनिया और भी बहुत सारा चीज़ें जो आपके यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो आपके वजाइनल एरिया को क्लीन रखना आफ्टर टॉयलेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ईचिंग के साथ साथ आपको बैड स्मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप घर में रहोगे तो आप नॉर्मल वाटर से आप अपने वजाइना को, अपने इंटीमेट पार्ट को क्लीन कीजिए और कोई भी ड्राई टॉवल, क्लीन टॉवल का यूज कीजिए आपके इंटीमेट पार्ट को ड्राई रखने के लिए। और अगर बाहर जाते हो लाइक स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हो तो अपने साथ इंटीमेट वाइप्स कैरी कर सकते हो। कैरी करना बहुत ईजी है, मैं यूज करती हूँ ये एवरटीन ब्रांड का, बहुत ईजी है इसको कैरी करना। ये अलग सैशेज में 15 वाइप्स मिलता है एक बॉक्स के अंदर, तो इसको मैं अपने साथ रखती हूँ। एंड ऑल्सो ड्यू टू एनी वजाइनल डिस्चार्ज और स्वेटिंग और एनी डिस्कम्फर्ट यू कैन यूज दिस वाइप्स, वजाइनल वाइप्स एनी टाइम एनी वेयर जस्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यू विल फील फ्रेश होल डे। प्लीज यूज कॉन्डोम्स वाइल हैविंग सेक्स जस्ट टू कीप योर सेल्फ एंड योर पार्टनर सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल डिजीजेस। अगर फिर भी आपको इन्फेक्शन हो जाती है देन डू नॉट लिव इट अनट्रीटेड क्योंकि फ्यूचर में इससे और भी बहुत सारा सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपको फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है इससे। एंड वॉश योर वजाइनल एरिया आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्योंकि जितना भी रेसिड्यूज एंड फ्लूइड्स रह जाते हैं उससे आपको इरिटेशन और इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है, सो कीप दैट इन योर माइंड। लास्ट जो हैक आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अभी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, घर के बाहर घर के अंदर जब भी आप टॉयलेट सीट यूज करोगे, टॉयलेट यूज करोगे तब मेक श्योर टॉयलेट सीट को अच्छे से क्लीन करके देन फ्लश करके उसके बाद टॉयलेट को यूज करना। और घर के बाहर जब टॉयलेट को यूज करोगे, टॉयलेट को क्लीन करना है, आई मीन टॉयलेट सीट को क्लीन करना है, देन आप एक टॉयलेट सीट सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पास एक होना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आपको क्या करना है। ये स्प्रे बॉटल में ये आपको मिलेगा, इसको जस्ट स्प्रे करना है टॉयलेट सीट के ऊपर और 5 सेकेंड के लिए बस वेट करना है एंड देन टॉयलेट सीट यूज कर सकते हो, टॉयलेट यूज कर सकते हो। गाइज लास्टली आई वॉन्ट टू से ड्रिंक प्लेंटी वॉटर लिक्विड्स, कोकोनट वॉटर ले सकते हो, क्रैनबेरी जूस ले सकते हो, अच्छा होता है इन्फेक्शन के लिए। और ज्यादा पानी पीने से आपके शरीर के अंदर से, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स, बैक्टीरियाज यूरिन के थ्रू निकल जाता है और इससे आपके बॉडी में 80% तक इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है। दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज, आई होप यू फाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल एंड इट विल सेव यू फ्रॉम वजाइनल इन्फेक्शन।
imperfection. If you feel this video informative for you, please do subscribe to my channel. Share this video with your friends and family. और subscribe करने के बाद bell icon को hit करना. Guys, comment के through मुझे बताना video कैसा लगा है. And like this video, like always. And thank you so much, guys, for watching this video. See you soon with a new video. Till then, you take care. Bye bye.